स्वागत है आपका ओशो जेन टैरो के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ओशो जेन टैरो के कार्ड द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग की, और कार्ड ऑफ द फ्लावरिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक बहुत सुंदर राइडर वेट का कार्ड है। आप ऑलमोस्ट जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को जो है कार्ड ऑफ द एम्परर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो मातृत्व आपको उसमें दिखता है, जो प्रकृति का नज़ारा उसमें जो आपको दिखता है, जो एक एबंडेंस जो आपको दिखती है, वो जीवन का भराव जो है आपको एम्प्रेस में दिखता है, और वही भराव जो है हम जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है, नेचर के साथ जुड़ी हुई है, और जिस तरह से वो बैठी हुई है, पेंटिकल जो है उसकी गोद में है, वो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी की बात कर रही है कि वो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती है वो अपने गर्भ में जो है उसको जो है जी सकती है, उसको पैदा कर सकती है। और अगर हम उसका भाव देखें तो वो एक मदर का भाव है, एक माँ का भाव है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए है, आपको नरिश करने के लिए है, और आपको याद दिलाने के लिए है कि उसकी प्रेजेंस जो है आपको हर तरह से जो है आपकी हेल्प करेगी आपकी ग्रोथ में। अगर हम कंपैरिजन के तौर पे द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग को जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें भी कंपैरिजन जो है बहुत सटीक बैठता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के अंदर जो है उस फ्लावरिंग की तरफ जो है इशारा है, क्योंकि जब हम क्वीन को देखते हैं वहाँ पे एक खिलावट दिखती है, वहाँ पे एक भराव दिखता है, यहाँ पे जीवन जो है आपको जो भी दे सकता है उसकी उपस्थिति जो है यहाँ पे दिखती है। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। आइए बात करते हैं द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग की। तो कार्ड ऑफ फ्लावरिंग भी अपने आप में एक बहुत सुंदर कार्ड है। जब हम इसके पिक्चोरियल को देखते हैं, हम देखते हैं कि एक स्त्री को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो जब भी हमने खिलावट को दिखाना होता है, हम वहाँ पे जो है स्त्री को दिखाते हैं कि जीवन का जब फूल जब आपके भीतर खिलता है तो आपके भीतर की जो स्त्री है वो खिल जाती है। और पिक्चोरियल में हमने दिखाया है कि उसके आसपास जो है सब इंद्रधनुष बना हुआ है, कि जीवन की एक पूरी खिलावट जो है वहाँ पे हमें दिखती है, जो कि आपको याद दिला रहा है आपकी फ्लावरिंग की, कि आपके भीतर भी वही सेम पोटेंशियल है जो इस क्वीन की पोटेंशियल है, कि आप भी जो है इस तरह से खिल सकते हैं, कि आप भी जो है एक वृक्ष बन सकते हैं। गुरु ओशो बोलते हैं कि जिस तरह से आदमी है वो एक बीज रूप में है, लेकिन एक बहुत बड़ी क्षमता लेके जो है वो पैदा हुआ है, क्षमता वृक्ष होने की, एक ऐसा वृक्ष होने की जो कि बहुत विशाल हो सकता है, जिसमें फूल और फल लग सकते हैं, जिसमें हजारों लोग जो हैं उसकी छाया में बैठ सकते हैं। ऐसी क्षमता जो है हम अपने भीतर लेकर आए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 99.9% लोग जो है अपने जीवन को जो है सिर्फ इस शरीर की भांति जी के जो है खत्म कर देते हैं, वो शरीर से जो है ऊपर नहीं जा पाते। और कार्ड ऑफ फ्लावरिंग आपको याद दिलाता है कि सिर्फ जो है शरीर की तरह ही मत मर जाना। इस ये जीवन एक मौका है वृक्ष होने का, अपनी मंजिल को जरूर पाना, अपने होने को जरूर प्रकट करना। हमने आदमी के जो है चार हिस्से किए हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इस चीज को थोड़ा समझने की बात है कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। इतना आसान नहीं है कि आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए। ऊपर से आपके ऊपर ब्राह्मण का टैग जरूर लग सकता है, लेकिन असली ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म की चर्या करता है, जो ब्रह्म को जीता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक शूद्र की तरह होता है, वो कीचड़ की तरह होता है। लेकिन अगर उसको जो है सही मार्ग मिले, अगर उसको पानी, खाद, रोशनी मिले, तो इसी कीचड़ से जो है एक ब्राह्मण निकलता है, एक ब्राह्मण का फूल खिलता है। तो शूद्र से ब्राह्मण तक की यात्रा है, और ये चारों पड़ाव जो है हमारे भीतर है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने ब्राह्मण के कमल को जो है खिलाते हैं या नहीं खिलाते। जीवन आपको चाहता है कि आप जीवन को जो है पूरी उसकी पराकाष्ठा में जिए, पूरे उसके जो है महोत्सव में जिए, उसके सारे रंगों को जो है अपने जीवन में आत्मसात करें। जीवन एक बहुत बड़ी दौलत है। ये आपके ऊपर है कि आपकी झोली कितनी बड़ी है, कितना आप जो है ले सकते हैं, कितना स्वीकार कर सकते हैं। जीवन आपकी झोली को भरने के लिए तैयार है, जिससे जो है आपके जीवन का जो है फूल खिल सकता है, जिससे जो है आपके जीवन की फ्लावरिंग घट सकती है। तो कार्ड ऑफ फ्लावरिंग जो है आपको जो अपने भीतर की खिलावट की याद दिलाता है, जिसको मैं अक्सर जो है बार बार अनेक वीडियोस में बोल चुका हूँ कि आप यहाँ पे जो है अपना गीत गाने के लिए आए हैं,
आप यहाँ पे जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। आपका होना जो है वो इतना यूनिक है, आपका होना जो है इतना अनूठा है कि अगर आपने अपने फूल को नहीं खिला तो यहाँ पे जो है कुछ मिस हो जाएगा। प्रभु ने आपसे जो है बहुत आशाएं रखी हुई है, प्रभु ने आपके ऊपर बहुत बड़ा दाव लगाया हुआ है। वो चाहता है कि आप अपनी खिलावट को जरूर जिए, वो चाहता है आप अपनी खिलावट तक पहुँचे, आप वो हो जाएं जो होने के लिए हैं। हर एक का बीज जो है वो अपने आप में इतना अनूठा है, इतना यूनिक है। तो जब भी वो बीज जो है फूटेगा, जब भी वो वृक्ष बनेगा, जब भी उसमें फूल आएंगे, वो फूल ऐसे होंगे, उसका होना ऐसा होगा जो आज तक जो है कोई वृक्ष नहीं हुआ। यही संभावना जो है आपके अंदर है कि आपका होना कुछ ऐसा हो सकता है जो इससे पहले कभी कोई नहीं हुआ। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, इस जीवन के गिफ्ट को जो है इग्नोर मत करना। तो आदमी जो है बीज रूप में जो है पैदा होता है, और अब ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह की मृत्यु चाहेंगे। अगर बीज जो है टूटता नहीं है और बीज की तरह ही मर जाता है तो वो एक तरह की नेगेटिव डेथ है, और वो बीज जो टूटता है और जो वृक्ष होने की यात्रा पे निकलता है वो एक बहुत ही पॉजिटिव डेथ है। वो बीज की डेथ कुछ ऐसी है कि वो आपके लिए नए आयाम जो है जीवन के खोल देता है। तो आपके भीतर ये संकल्प होना चाहिए, आपके भीतर जो है ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको जो है इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि मुझे जो है अपना जीवन का फूल खिलाना है, मुझे वो होना है जो मैं यहाँ होने के लिए आया हूँ, कि मैं अपने जीवन का गीत जो है गा के जाऊँगा, कि मैं अपने होने को जो है जी के जाऊँगा। थोड़ा सा फूल के सिम्बोलिज्म को भी थोड़ा समझेंगे। हम फूल को जो है शस्त्रहार के रूप में दिखाते हैं, आदमी का सातवां चक्र, आदमी का आखिरी पड़ाव, कि जब आपका सातवां चक्र खुलता है, जब आपका शस्त्रहार खुलता है, तो हमने इसको सिंबोलिज्म के तौर पे जो है उसके सर पे जो है खिलावट दिखाई, उसके सर पे जो है फूल दिखाया। और हम ये भी बोलते हैं कि ये फूल कुछ ऐसा है जिसकी हजारों करोड़ों पंखुड़ियाँ हैं। और अगर हम अपने देवी देवताओं को देखें तो हमने सबको जो है फूल के ऊपर जो है बिठाया है। भगवान बुद्ध को जो है हमने फूल के ऊपर बिठाया, भगवान विष्णु को जो है हमने फूल के ऊपर बिठाया, भगवान राम को जो है हमने फूल के ऊपर जो है दिखाया। हम क्या कह रहे हैं इस सबसे? सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं इनके जीवन का जो फूल है वो खिल चुका है, ये अपनी परम प्रकाष्ठा के अंदर जो है अपने आप को प्रकट कर चुके हैं कि जीवन को जो है पूरी तरह से जो है इन्होंने जिया है। उसको सिम्बोलिज्म की तरह दिखाने के लिए हमने जो है कमल का प्रयोग किया। तो कार्ड ऑफ फ्लावरिंग जो है आपको याद दिलाता है कि आपके भीतर जो है एक खिलावट की जो है एक बहुत बड़ी क्षमता है, उस क्षमता को जो है ऐसे ही मत ठुकरा देना, अपने आप को सिर्फ शरीर तक मत रोक लेना, उस आत्मा की यात्रा तक निकलना है, अपनी आत्मा को खोजना है, अपनी आत्मा को जीना है, अपनी आत्मा में होना है, तभी उस परमात्मा का साक्षात्कार जो है हमारे भीतर घटता है। जॉर्ज गुरजीव जो कि रशिया के गुरु रहे हैं, वो इस बारे में बोलते हैं कि आदमी जिस तरह से है वो कुछ ऐसा है कि वो अपने प्रिजन में है, वो अपने जेल खाने के अंदर है। और गुरजीएफ का काम सबसे बड़ा ये होता था कि जब कोई उसके पास आता था वो उसको जो है कहीं ना कहीं रियलाइज कराता था कि तुम जो है जेल में हो, कि तुम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हो वो एक काल कोठरी के अंदर जी रहे हो, तुम्हारे जो पंख हैं वो बंद हो रखे हैं, तुम्हें अपने पंखों को अभी भी खोलना है, जीना है। तो ये एक पहला स्टेप है कि फर्स्ट जब आप इस चीज़ को रियलाइज करना शुरू करते हैं, जब आप अपने आप अपनी लाइफ को देखना शुरू करते हैं, जब आप अपनी लाइफ को एक बुद्ध पुरुष के साथ जो है कंपेयर करना शुरू करते हैं, तब आपको अपने बंधन नज़र आते हैं, तब आपको अपनी काल कोठरी जो है नज़र आती है। और ये दिखना जो है बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एक बार आपको दिखना शुरू हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि अब तक जो आपने ज़िंदगी जी है वो बहुत एक फिजिकल लेवल पे जी है, बहुत ही ज़्यादा जो है शारीरिक तल पे जी है, अभी आत्मा को कुछ पता नहीं है, आत्मा की खोज पे आप निकले नहीं हैं। तो गुरजीएफ का काम ये रहता है कि सबसे पहले वो आपको याद दिलाते हैं कि आप अपने आप को देख सकें कि अभी आप कहाँ खड़े हैं। जब आप उसका साक्षात्कार करते हैं, जब आपको पता चलता है, तो आपके जीवन की जो है असली यात्रा शुरू होती है, वो यात्रा जो आपको अपनी आत्मा की खोज में लेके जाती है। सूफी संत हसन जो है अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, उनके साथ बात कर रहे थे, बात करते करते जो है उन्होंने अपनी जेब में से जो है कुछ निकाला,
वो था एक सीड, वो था एक बीज। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि ये क्या है, तो शिष्य ने बोला ये बीज है। फिर हसन ने पूछा ये बीज जिंदा है या मरा हुआ है, जिसका उत्तर जो है शिष्य जो है ठीक से दे नहीं पाए। कुछ शिष्यों ने कहा ये जिंदा है, कुछ शिष्यों ने कहा ये मरा हुआ है। फिर सूफी संत हसन ने कहा अगर मैं इसको जो है ज़मीन पर बोता हूँ और इसकी जो है अच्छे से देख रेख करता हूँ, इसको पानी देता हूँ, खाद देता हूँ, इसको इसको सूरज देता हूँ, तो ये खिलेगा और वृक्ष होने की यात्रा पे निकलेगा। लेकिन अगर मैं इसको जो है ज़मीन पे नहीं डालता तो ये बीज जो है बीज की तरह ही रह जाएगा। फिर उन्होंने बोला ये ही तुम्हारे साथ है संभावना, तुम भी जो है बीज की तरह हो, तुम अगर जो है इस वृक्ष होने की यात्रा पे नहीं निकलते तो बीज के बीज ही रह जाओगे। तो सूफी संत हसन जो है अपनी कहानी के जरिए और इस कार्ड के जरिए आपको याद दिलाते हैं कि आप अपने जीवन के फूल को ज़रूर खिलाइएगा, उस यात्रा पे ज़रूर निकलिएगा। खिलावट हो या ना हो इसकी इतनी बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उस मार्ग पे चलना शुरू किया, एटलीस्ट आपने जो है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, कि आपने जो है ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।